दोस्तों नमस्कार, स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। आज की यात्रा दोस्तों मैंने की है प्रतापगढ़ से जंघई जंक्शन तक और ट्रेन नंबर है 05118 प्रतापगढ़ बनारस पैसेंजर। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार, स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। आज की यात्रा दोस्तों करेंगे प्रतापगढ़ से जंघई जंक्शन तक और इंजन लगा है इसमें वैप 7। हमारी ट्रेन 05118। ट्रेन के अंदर ये प्रतापगढ़ से खुलती है रोज़ 5 बजे और बनारस उतार देती है रात के 9 बजे, लेकिन हम यात्रा करेंगे इसमें जंघई जंक्शन तक। प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन और हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी है। ये हमेशा प्लेटफॉर्म नंबर 3 से ही खुलती है रोज़। और देखिए दोस्तों, स्टेशन पर अशोक का पेड़ भी लगा हुआ है और सामने हमारी ट्रेन अभी 5 बजे खुलेगी तो आपको डिपार्चर इसका दिखाएंगे। पैसेंजर ट्रेन का दोस्तों शीशा देखिए एकदम नीट एंड क्लीन, सिंक साफ। आपको दूसरी टॉयलेट दिखा देते हैं, देखिए वो भी साफ। ये है पैसेंजर ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेनों का साफ नहीं रहता और यहीं से खुलती है चूँकि इसलिए खाली है। तो प्रतापगढ़ स्टेशन पे टोटल 5 प्लेटफॉर्म है। इसका स्टेशन कोड है MBDP और ये आर से कुछ ऐसा दिखाई देता है स्टेशन। इनका 200 सिग्नल हो चुका है, आप देख रहे होंगे येलो सिग्नल। आपने निर्धारित समय से ट्रेन 10 मिनट के विलंब से दोस्तों खुल रही है प्रतापगढ़ जंक्शन पर। सामने जो ट्रेन देख रहे हैं दोस्तों वो है पद्मावत एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 14207। तो हम यात्रा करेंगे दोस्तों जंघई जंक्शन पर। दोस्तों हमारी यात्रा जंघई जंक्शन तक रहेगी और रास्ते में पड़ने वाले जितने स्टेशन हैं सब आपको दिखाएंगे। दोस्तों हम पहुंच रहे हैं पृथ्वीगंज, इसका स्टेशन कोड है PHV। टोटल यहाँ दोस्तों 4 ट्रेनों का हॉल्ट है। यही 2 पैसेंजर ट्रेन चलती हैं, एक प्रतापगढ़ से वाराणसी जंक्शन तक और एक प्रतापगढ़ से बनारस। तो अब 2 डाउन, कुल 4 ट्रेन। यह दोस्तों पृथ्वीगंज स्टेशन इस साइड से बन रहा है काफ़ी। ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 की साइड का है पूरा हिस्सा है। देखिए यहाँ पे स्टेशनों पर काम चल रहा है इस रूट पर। Thank you.
दोस्तों हम पहुंच रहे हैं तांदूपुर माँ बाराही देवी धाम तांदूपुर। इसका स्टेशन कोड है MBDD और टोटल यहां पर दोस्तों 12 ट्रेनों का हॉल्ट है। नीचे हिस्सा देख रहे हैं, यहीं पे दोस्तों एक ट्रैक बिछाया जाएगा। ट्रेन का डिपार्चर दोस्तों हो चुका है दांदूपुर से। चूँकि मेन लाइन ही है अभी प्लेटफॉर्म नंबर एक जो अभी वर्तमान में है, तो इसलिए ट्रेन स्पीड पकड़ लेती है। बाकी प्लेटफॉर्म नंबर एक को सामने बनेगा, आप देख रहे इस साइड, इस रूट पे लाइन डबलिंग भी हो रही है। तो ट्रेन की चेन खींच दी गई है, वे दो लड़के जो अभी दिखे थे आपको वही चेन खींच के गए हैं। पहुंच रहे हैं गौरा रेलवे स्टेशन। इसका स्टेशन कोड है GRX। टोटल दोस्तों यहाँ 5 ट्रेनों का हॉल्ट है और 5 इसलिए है क्योंकि टाउन में जो जनता एक्सप्रेस आती है उसका यहाँ पर स्टॉपेज है। आज 56 हो चुका है दोस्तों। अच्छा ना, अगर 56 हो चुका है वो मुंबई का आवाज आवाज नहीं जाएगा। ठीक है भाई, तू ने किना ही है। ठीक है, ये साथी आए, साथी में बैठा मेरा बेटा, मैं इतनी बात से कहीं खड़े नहीं देंगे। चलो अब बैठा है।
बादशाहपुर रेलवे स्टेशन, इसका स्टेशन कोड है BSE। टोटल यहाँ दोस्तों 16 ट्रेनों का हॉल्ट है बादशाहपुर में, और पंजाब मेल जैसी ट्रेनों का यहाँ स्टॉपेज है। स्टेशन पे बकरी भी चल रही है यहाँ पर। ट्रेन आधे घंटे लेट हो चुकी है। NBP और टोटल यहाँ 4 ट्रेनों का हॉल्ट है दोस्तों। बादशाहपुर के बारे में दोस्तों एक बात बताना भूल गए आपको, वो जौनपुर ज़िले में लगता है बादशाहपुर। काफ़ी हरियाली है इस स्टेशन में। जौनपुर रायबरेली इंटरसिटी की दोस्तों क्रॉसिंग है, देखिए आप ट्रेन धूल उड़ाते हुए एकदम जा रही है स्पीड में। छोटा सा स्टेशन है ये। स्टेशन पे हैंडपंप भी लगा हुआ है। अगला स्टॉप हमारा डेस्टिनेशन जंघई स्टेशन। Thank you.
इधर भी लाइन डबलिंग का काम शुरू हो गया है। इस साइड देखिए दोस्तों, दीमापुर के मतलब दीमापुर आने के पहले से राइट हैंड साइड में इतना बैरिकेडिंग लगा दी गई है। सामने वाला ट्रैक दोस्तों प्रयागराज जंक्शन की तरफ जाता है। जंघई आ चुका है हमारा डेस्टिनेशन, हम पहुंचने वाले हैं। हम पहुंच रहे हैं दोस्तों जंघई जंक्शन। जंघई जंक्शन, इसका स्टेशन कोड है JNH। टोटल दोस्तों वैसे तो यहाँ 5 प्लेटफॉर्म है, लेकिन 2 ही चालू हैं और टोटल 57 ट्रेनों का हॉल्ट है यहाँ पर। जंघई जंक्शन जंक्शन पॉइंट है, एक लाइन प्रयागराज की तरफ, एक लाइन वाराणसी, एक लाइन जौनपुर, एक लाइन आपके प्रतापगढ़ की तरफ। तो दोस्तों हमारी जर्नी थी प्रतापगढ़ से जंघई जंक्शन तक। मैंने हर स्टेशन को एक्सप्लोर किया। ट्रेन नंबर 05118 प्रतापगढ़ बनारस पैसेंजर। तो आज की यात्रा को दोस्तों यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।